हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हार्ट प्रॉब्लम्स और इससे संबंधित प्राणायाम के विषय में बात करेंगे। मैं आज आपको 7 प्राणायाम सिखाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कि भारत देश के अंदर लाखों लोग हार्ट प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। वो आज बहुत परेशान हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, वो परेशान रहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है हमारा तनाव, टेंशन वाला जीवन, हमारा लाइफस्टाइल का बिगड़ना, मेहनत का अभाव। वो मेहनत नहीं करते हैं इसलिए उनको ये समस्याएं आती हैं, और फैटी, शरीर का फैटी हो जाना, हमारा शरीर का वेट बढ़ जाना, ये इसके मुख्य कारण हैं। और अगर बात की जाए कि हार्ट की समस्या क्यों आती है, क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना शुरू हो जाता है। जो दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर होते हैं, HDL और LDL। इसका मतलब HDL जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसकी जो आज भारत देश के अंदर मात्रा पाई जाती है वो 35 मिलीग्राम पर पाई जाती है, लेकिन ये जो आइडियल होता है वो 40 से 60 के बीच में होता है। अगर आपका 40 से 60 के बीच में कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो आप नॉर्मल हैं, आपका नॉर्मल के बीच में लाई करता है। लेकिन आज भारत देश के अंदर ये 35 पाया जाता है, 35 mg/dL। सो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है हमारा शरीर का फैटी होना और अनियमित जीवन शैली, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर हार्ट अटैक जैसी समस्याएँ आने लगती हैं। अगर लो कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो जब हम पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं, जो हमारा लो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। कब बढ़ जाता है? जब हम पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक, पेप्सी या जंक फूड खाते हैं। इससे हमारा जो लो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बढ़ने लगता है शरीर के अंदर, और इसके कारण टेंशन, तनाव हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम बनने लगती है। जब हमारे शरीर के अंदर टेंशन, तनाव होने लगता है तो हमारी जो ब्रेन मसल्स होती हैं उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है, और जिसके कारण बीपी बढ़ जाता है। और जब बीपी बढ़ जाता है तो कभी कभी हार्ट स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक या स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हमारे बीच में आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सो इसको सोमेस्टिक स्ट्रोक भी कहा जाता है। जब हमारा हार्ट बहुत तेज से धड़कने लगता है तो इसको सोमेस्टिक स्ट्रोक भी कहा जाता है कभी कभी। तो इसका मुख्य कारण क्या है? हमारी अनियमित जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ता जा रहा है। हम बाहर का खाना अधिक पसंद करते हैं, जंक फूड हम अधिक पसंद करते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको दूर करने के लिए हमने आज 7 अभ्यास हमने बताए हैं, वो हैं, मैं आज आपको 7 अभ्यास सिखा रहा हूँ। पहला अभ्यास होगा हमारा मृदु भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा अभ्यास होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, तीसरा अभ्यास होगा मृदु सूर्यभेदी प्राणायाम, तीसरा अभ्यास होगा मृदु कपालभाति प्राणायाम, चौथा अभ्यास होगा हमारा भ्रामरी प्राणायाम, छठा अभ्यास होगा हमारा ओम की ध्वनि, और 7वां अभ्यास होगा हमारा खिचड़ी मुद्रा। सो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 50 से 55 आइडियल माना जाता है। जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होता है वो 40 से 60 के बीच हो जाता है। यदि 60 से ऊपर है तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बात हो जाती है। लेकिन अगर बात की जाए कि हम इन बीमारियों को दूर कैसे करें, तो उसका केवल एक ही समाधान है, वो है योगाभ्यास, प्राणायाम और हमारा अच्छे से भोजन का करना। प्रॉपर हम डाइट लें, उसके अंदर हमारा लाइफस्टाइल ठीक हो, और हम मेहनत करें, एक्सेस वेट को गेन ना करें, और हम स्मोकिंग या कोई ऐसी चीज़ें भी ना लें। ये हमारे शरीर को सीधे सीधे बीमार और बीमार बनाती है। सो फ्रेंड्स, आइए हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। पहला अभ्यास होगा हमारा मृदु भस्त्रिका प्राणायाम। मृदु भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर हम सीधे बैठ जाते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, हाथों की स्थिति जान मुद्रा रहती है, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रहते हैं, कमर गर्दन सीधी हो जाती है, आप आँखें बंद कर लेते हैं। इसमें लंबा गहरा श्वास हमारे अंदर हम भरते हैं लंग्स के अंदर, और डीपली उसको बाहर छोड़ते हैं। गहरा और लंबा श्वास हम अंदर भरते हैं, गहरा और लंबा उसको बाहर छोड़ देते हैं, डीपली एंड साइलेंटली। कोई आवाज़ हमारे मुख से या नासिका से नहीं आएगी। शांत होकर हम गहरा लंबा श्वास अंदर भरें,
5 मिनट इस अभ्यास को अवश्य करें। गहरा लंबा श्वास दोनों नासिकाओं से। हमारी लेफ्ट नासिका चंद्र स्वर कहलाता है, जो हमारी राइट नासिका होती है वो सूर्य स्वर कहलाती है। इन दोनों से हम श्वास को अंदर भरते हैं और डीपली उसको बाहर छोड़ते हैं। गहरा लंबा श्वास अंदर भरते रहें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। मन एकदम शांत है। दोनों नासिकाओं से गहरा श्वास जब आप भरेंगे तो पूरे शरीर के अंदर, पहले लंग्स के अंदर फिर उसके बाद पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवास होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और उसका लेवल कम हो जाता है। शरीर की सभी कोशिकाएं इससे प्रभावित होती हैं। ऑल द सेल्स आर अफेक्टेड बाय दिस। 2 से 3 मिनट तो इसे कम से कम करें। आपको 5 मिनट करना है अभ्यास। तो इस तरह से आप लंबा गहरा श्वास जब अंदर भरेंगे, जब उसको बाहर छोड़ेंगे, तो आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा क्रिएट होगी। मन एकदम शांत होगा, माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचेगी और हम लोग एनर्जेटिक होंगे। हार्ट की समस्या, कोलेस्ट्रॉल लेवल और बीपी सामान्य हो जाता है, ये सभी समस्याएं नॉर्मल हो जाती हैं। सो इस तरह से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड अभ्यास हमारा जो होगा, मृदु अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हम राइट हैंड को उठाते हैं। राइट हैंड को उठाने के बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं और गहरा लंबा श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरते हैं। जब आपका श्वास पूरा भर जाता है तो फिर अनामिका मध्यमा उंगली जो होती है हमारी, उससे हम बंद कर लेते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल को और राइट से उसको एक्सहेल कर देते हैं। फिर राइट से श्वास को अंदर भरते हैं, इनहेल करते हैं डीपली और साइलेंटली। जब लेफ्ट राइट से श्वास पूरा भर जाता है तो फिर लेफ्ट से उसको एक्सहेल कर देते हैं। फिर लेफ्ट से श्वास को इनहेल करते हैं। फिर राइट से श्वास को अंदर भरें। एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्टिल एंड देन इनहेल। Exhale from the right nostril. Inhale. इस तरह से ये अभ्यास हमारा पूरा हो जाता है। जब आप इसको 5 मिनट बाद छोड़ देते हैं पूरा करने के बाद, और आपका मन शांत हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सामान्य होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत उत्तम अभ्यास है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में आप राइट हैंड को उठाते हैं, राइट अंगूठे से राइट जो हमारी अनामिका मध्यम उंगली होती है उससे हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं पहले, फिर राइट से इनहेल करते हैं। इसमें केवल आप राइट से इनहेल करेंगे जो सूर्य स्वर होगा आपका, और केवल लेफ्ट से उसको एक्सहेल करेंगे यानी चंद्र स्वर से केवल एक्सहेल करेंगे। तो यही क्रम हमारा जारी रहता है सूर्य भेदी प्राणायाम। Thank you.
राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें। गहरा और लंबा श्वास साइलेंटली। जिनको हाई बीपी हो, हार्ट की कोई विशेष समस्या हो, तो उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, इसमें केवल और केवल राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को इनहेल करते हैं और लेफ्ट से उसको बाहर छोड़ देते हैं। जब आप 5 मिनट पूरा कर लें तो आप इस अभ्यास को छोड़ सकते हैं। यह अभ्यास आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत उत्तम अभ्यास है। आप इसका निरंतर 5 मिनट तो कम से कम जरूर करें अभ्यास। इसके अलावा हमारा चौथा अभ्यास होगा मृदु कपाल भाती प्राणायाम। इसमें भी हम अपने राइट हैंड को उठाएंगे और इसमें विपरीत दिशा से करेंगे। सूर्य भेदि में जो आपने किया उससे विपरीत करेंगे। इसमें लेफ्ट से श्वास को अंदर भरेंगे और राइट से उसको एक्सहेल कर देंगे। केवल और केवल लेफ्ट से श्वास को इनहेल करें, राइट से उसको एक्सहेल कर दें। 5 मिनट इस अभ्यास को करें। आइए चलते हैं। Inhale from the left nostril and exhale it from the right nostril after completing the breath. जब आप 5 मिनट पूरा कर लें तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अभ्यास आपके लिए बहुत उत्तम अभ्यास है। ये आपके शरीर के अंदर जितने भी गर्मी के रोग होंगे वो सभी दूर हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका अच्छा हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और बैड कोलेस्ट्रॉल आपका खत्म होने लगता है, खत्म हो जाता है। आप इस बीमारी के लिए रोज 5-5 मिनट ये सारे अभ्यास करेंगे तो आधा घंटा लगभग आपको लगेगा, लेकिन आपकी ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम अधिक मात्रा में जो हमारा फैट होता है वो ले लेते हैं, घी खाने लगते हैं, लेकिन हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है। इसी कड़ी में हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आप दोनों हाथों को उठाएंगे और दोनों 3-3 उंगलियों से आप अपनी उंगलियों को बंद करेंगे और एक एक उंगलियां आपकी माथे पर होंगी और दोनों अंगूठे जो होंगे आपके वो कान के कवरिंग पे होंगे। कानों को भी आप बंद करेंगे, श्वास को लंबा गहरा अंदर भरेंगे और 5 बार गुंजन करेंगे। भ्रमर भोरे की बात है, ब्लैक हमिंग भी की बात है। आप एक्सहेल करते हुए एक साउंड क्रिएट करेंगे। Inhale. Inhale.
रिलीज रिलैक्स, उसके बाद आप छोड़ देंगे। इस तरह से आप 5 बार तो कम से कम करें, 5 मिनट, और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये आपके हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, जितने भी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड समस्या होंगी उनको शमन करेगा और आपको निरोगी बनाएगा। इसी क्रम में हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, मृदु कपालभाति प्राणायाम। इसमें हम एक्सहेल आउट करते हैं, पेट के द्वारा हम स्ट्रोक्स लगाते हैं और हम 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक्स हम लगाते हैं। इससे आपके जितने भी समस्याएं होंगी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, हार्ट की समस्या अगर आपको ज़्यादा हो तो ये बहुत मंद गति से करना चाहिए, किसी को अगर बीपी की समस्या हो तो ये अभ्यास उनके लिए वर्जित है। तो आप इस अभ्यास को 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक लगाएंगे, ये आइडियल होता है। लेट्स गो, श्वास को एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली, एक्सहेल आउट। इसमें जो आपका बाहर छोड़ने की क्रिया होगी वो एक्टिव होगी, और जो श्वसन इनहेल करेंगे वो एक्टिव, वो पैसिव होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब श्वास आपका अंदर आ गया, ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा, लेकिन आपको श्वास को बाहर छोड़ने में आपको ध्यान रखना है। विश्राम। जब आपके 5 मिनट पूरे हो जाए तो आप इस अभ्यास को छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके पेट की समस्त ऑर्गन्स को ठीक करेगा, पैनक्रियाटिक जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी ठीक करता है, और पेट से संबंधित इंडाइजेशन और गैस कॉन्स्टिपेशन सभी को ठीक कर देता है और आपको निरोगी बनाता है। हमारे माइंड पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर सीधा इसका प्रभाव जाता है, जो हमें पूर्णतः स्वस्थ बनाता है, आरोग्य को प्रदान करता है। हमारी जितने भी पार्किंसन रिलेटेड या कोई भी और समस्या होती है, लो बीपी होता है तो उसको बैलेंस कर देता है, और हमारा चेहरा कांतिमय तेजमय हो जाता है। इसी अभ्यास को आप 5 मिनट तक कर सकते हैं, बाकी आपके पास समय अधिक है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी क्रम में हम अपने 6ठे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, ओम की ध्वनि। 3 बार मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको 5 मिनट तक ये ओम की ध्वनि क्रिएट करनी है। लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और ओम की ध्वनि आपको प्रकट करनी है। तो अगर आप ये भी करते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए करते हैं। आपकी आध्यात्मिक शक्ति में, इसका जो स्पिरिचुअल पावर होती है उसमें आपकी इंक्रीमेंट हो जाता है, उसमें शक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। तो आप एक बार करेंगे, विश्राम, रिलीज, रिलैक्स।
ओपन योर आइज। इसी के साथ आप इसको 5 मिनट जब आप पूरा कर लेंगे तो इससे मन को बहुत शांति मिलती है, हमारा पूरा शरीर एकदम स्पिरिचुअल हो जाता है, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, वो ध्यान हमारा लगने लगता है और हमारे अंदर पेशेंस की भावना क्रिएट होने लगती है। आप किसी भी काम में अच्छे से परफेक्ट हो जाते हैं और उसमें मन लगने लगता है आपका, जो भी आपका टारगेट्स होते हैं वो पूरे होने लगते हैं। ये ओम की ध्वनि आपको बहुत और बहुत स्पिरिचुअल बनाती है, मानसिक शांति आपको देने लगती है। इसी क्रम में हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में हम अपनी जीभ को फोल्ड करके तालवे भाग में लगाते हैं, जो आपका अपर पैलेट हो जाता है, जो आपका मुख का अपर पैलेट होता है उसमें हम जीभ को फोल्ड करके ऊपर लगा लेते हैं। और जब आप ऊपर लगा लेते हैं तो फिर वहीं पर ध्यान लगाकर आप अपने ध्यान केंद्रित करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। केवल अपनी जीभ को बैंड करने के बाद, मोल्ड करने के बाद उसको ऊपर लगा लेते हैं और वहीं पर ध्यान लगाते हुए आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। 5 मिनट इस अभ्यास को करते हैं। इस अभ्यास को आप कभी भी कर सकते हैं, जब आपने खाना खाया है, खाना नहीं खाया है, कभी भी आप इसको कर सकते हैं। दिन में किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं। यह हमारी कंसंट्रेशन पावर में बढ़ोतरी करता है और स्पेशली हमारे कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की समस्याओं को भी कंट्रोल करता है। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, आप इसको एक बार करेंगे। आइए लेट्स गो। जब आपके 5 मिनट पूरे हो जाएं, तो जीभ को आप छोड़ देंगे, आंखें अपनी खोल लेंगे और रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इस तरह से ये सातों अभ्यास आपके लिए बहुत पावरफुल होंगे। ये जो खेचरी मुद्रा है, ये आपके जो हमारे यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जितने भी सातों अभ्यास हैं ये सारे मदद करेंगे, हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएंगे, हमारा पढ़ने में मन लगने लगेगा और हम लोग निरोगी हो जाएंगे। हमारी डायबिटीज़, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, माइंड प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स और जो भी हमारी सभी समस्याएं होंगी, जो सूर्य वेधी प्राणायाम है वो वात की समस्याओं को, जो दर्दों की समस्याएं हैं उनको शमन कर देता है। जो चंद्र वेधी प्राणायाम है ये हमारी गर्मी की समस्याओं को, पसीनों, जो भी हमारी सभी समस्याएं उनको दूर कर देता है। और बाकी सभी अभ्यास हमारे बहुत उत्तम अभ्यास हैं, आप इनको करेंगे तो आपकी कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी ये सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इसके लिए आपको डेली आपको आधा घंटा देना चाहिए। और अगर खाने की बात करूँ तो आपको सुपाच्य भोजन आपको करना चाहिए, बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए। इसमें आपको बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपको बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बाहरी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, दही या घी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको आपको नहीं खाना चाहिए। और अपनी मेहनत में आपको ध्यान देना चाहिए, वर्कआउट आपको डेली करना चाहिए और इसके अलावा रनिंग करनी चाहिए आपको। और योगाभ्यास और प्राणायाम अगर आप आधा घंटा करते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा टेंशन तनाव आपको कभी नहीं करना चाहिए और स्पेशली आपको पेशेंस रखना चाहिए। और इसके अलावा लिक्विड चीज़ों पर आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, आपको मन को